देविका जी, परवेश जी, सचिन जी, मिस गीत, हेलो, गुड इवनिंग, ममता जी, बबलू जी, हाय। हम वन मिनट के लिए और वेट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज लाइव। संदीप जी, वेलकम। मोना जी, हेलो। तो आज की जो हमारी रेसिपी है, वी आर बिकॉज हम सिंपल होममेड रेसिपी करते हैं फॉर अमूल, सो टुडेज रेसिपी इज़ वेरी सिंपल और हम सभी के घर में खाई जाती है। सब अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसे एमपी के स्टाइल से बताऊंगी। टुडे वी आर मेकिंग दाल फ्राई एंड ये सभी की पसंदीदा होती है, चाहे हम घर में खाएं, चाहे हम होटल में जाएं, चाहे हम किसी शादी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, हम दाल फ्राई ऑर्डर करना या अपनी प्लेट में लेना, इट इज़ अ कंपल्शन, इज़न्ट इट। तो आज ये मैं आपको एमपी में जिस तरह से शादियों में ये बनाई जाती है, बिल्कुल मैं आपको उस तरीके से बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं, बहुत ही क्विकली इस रेसिपी को बना लेंगे। और आज हम इसमें यूज़ करने वाले हैं अमूल घी, एंड आप अमूल की तुअर दाल भी यूज़ कर सकते हो इसमें, दे हैव रियली गुड क्वालिटी ऑफ तुअर दाल ऑल्सो। एंड घी तो हम सभी के घरों में यूज़ होता ही है अमूल का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। वंस अगेन वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव, माई नेम इज़ मधु नाहटा और मैं ओवंजा पिंदौर से हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम फॉर सच अमेजिंग रेसिपीज एंड सिंपल रेसिपीज। ओवंजा बाय मधु, लिंक मैंने मैंशन कर दिया है इन द कैप्शन। सो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया, आज हम बना रहे हैं दाल फ्राई एंड आई एम शोइंग इट टू यू इन एमपी में जिस तरह से रेस्टोरेंट, ढाबा, शादी पार्टी में बनाई जाती है उस तरीके से। एंड आप सभी जानती हैं कि एमपी का खाना बहुत फेमस है, जो एक बार इंदौर में खाना खा लेता है तो उसका स्वाद कभी नहीं भूलता, क्योंकि इट इज़ सो डिलीशियस। तो एक पैन ले लिया है मैंने, ऑलरेडी दाल बॉईल करके रखी थी। आई एम नॉट एबल टू जूम दिस एक्चुअली, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। ओके, मच बेटर। दाल मैंने तुअर की दाल, वन कटोरी दाल प्रेशर कुक करके रख ली थी। ओके, ऑलरेडी इसको 3 to 4 विसल्स मैंने प्रेशर कुकर में हल्दी और नमक डाल के कर लिया था पहले ही। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अमूल घी। ओके, लिटिल बिट, नॉट मच, क्योंकि हम इसको ऑयल के कॉम्बिनेशन के साथ बनाएंगे। तो अबाउट 1 tablespoon ऑफ अमूल घी मैंने डाला है और इसके साथ ही हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल और घी का कॉम्बिनेशन जब आप यूज करेंगे ना, आपकी दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ऑयल और घी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम दाल फ्राई बना रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड थोड़ा सा आप ज़्यादा डालें। वंस इन अ वाइल बना रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल नॉट सजेस्ट यूजिंग मोर ऑयल और मोर घी। जैसे ही गर्म होने लगेगा हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। चेक कर लीजिए वेदर ये गर्म हुआ है या नहीं, आपको पता लग ही जाएगा। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हींग। फिर हम डालेंगे इसमें राई, मस्टर्ड सीड्स, इसको स्प्लैटर होने देंगे। जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, मेरा नाम है मधु नाहटा और मैं ओवंस अप इंदौर से हूँ। आज हम बना रहे हैं एमपी या आप कह सकते हैं इंदौर स्टाइल में दाल फ्राई, जो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में या शादियों में या पार्टियों में सर्व की जाती है, बस वही वाली। आप एक बार इसको इसी तरह से ट्राई करिए, हो सकता है आप भी मिलता जुलता ही बनाते हों, बट इस तरह से एग्जैक्टली ट्राई करिए, आपको मज़ा आ जाएगा। फिर हम डाल देंगे इसमें जीरा,
राई से डबल हमें जीरा लेना है। फिर इसमें हम डाल देंगे इसी टाइम पे गरम मसाला। ओके, गरम मसाला आप डाल दीजिए। अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। सबसे पहले आपको डालनी है इसमें हरी मिर्च। ओके, हरी मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। ओके, इसमें हम डालेंगे हल्दी और हम डाल देंगे धनिया पाउडर। ओके, इसको एक क्विक मिक्स दे दीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे अनियन। दो छोटे अनियन ले लिए थे मैंने फॉर वन कटोरी ऑफ साबुत दाल, जिसको हमने फिर बॉईल किया था। वन फुल कटोरी दाल मैंने प्रेशर कुक की थी। चला दीजिए। अब इसी के साथ हम डाल देंगे सॉल्ट। ओके, इसी के साथ साथ आपको डालना है सॉल्ट, सो दैट ये अनियन जल्दी पक जाए। मैं आपको तरीका बता रही हूँ जो यहाँ पे इंदौर में यूज होता है और बहुत ही डिलीशियस लगता है। सॉल्ट आप स्वाद अनुसार इसमें डाल दीजिए। तो अभी तक हमने हींग राई जीरा डाला, हरी मिर्च डाली, गरम मसाला डाला, धनिया पाउडर डाला और हल्दी पाउडर डाला है, प्याज डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे करी लीव्स। करी लीव्स आप शुरू में मत डालिए, उसका टेस्ट पूरा ख़त्म हो जाता है। यू नो, आप इस टाइम पे आफ्टर अनियंस उसको डालिए तो उसका जो ग्रीन कलर है ना वो भी मेंटेन रहेगा। एंड नाउ यू ऐड अदरक और गार्लिक, अदरक लहसुन का पेस्ट वो आप ऐड कर दीजिए इसमें। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है इस टाइप की सब्जी, इस टाइप की दाल, सॉरी। आप बिल्कुल इसी स्टाइल से बनाइए। अगर आप इंदौर में किसी भी शादी में जाएंगे, देयर इज यूजुअली अ लाइव काउंटर फॉर मेकिंग दाल फ्राई, वो लोग बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं। और जो प्याज होता है ना उसको पूरी तरह से नहीं भूनते, भूनते हैं बट उतना ज़्यादा उसको मुशी नहीं कर देते हैं, थोड़ा सा इसका क्रंच मेंटेन करते हैं। फ्लेम मैं बढ़ा देती हूँ, अभी तक मैं लो फ्लेम पे इसको कर रही थी बिकॉज इट इज़ अ लाइव। चलाते जाएँ सो दैट ये स्टिक ना करे या जले ना। हल्का सा और भूनने देंगे पर पूरा नहीं। और अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल एक चुटकी, लिटरली वन चुटकी, 1/4 टीस्पून का भी आधा, इतनी सी शुगर। इससे क्या होगा, ये जो ओनियन है ये भुनेगा, इसका अच्छा ब्राउन कलर आएगा, फ्लेवर बढ़ेगा और क्रंच मेंटेन होएगा। हम डालेंगे इसमें टोमेटो। सो 2 लार्ज साइज ऑफ टोमेटोज मैंने लिए हैं। जब ये इंदौर में दाल फ्राई बनती है ना तो उसमें प्याज टमाटर बहुत अच्छे से डाला जाता है। मैं देसी टमाटर यूज कर रही हूँ। तो अब हमें इस मसाले को भूनना है। और ये हमारा क्विकली बन जाएगा। अभी दीपक जी, गौरी जी, मिस गीत, देवेंद्र जी क्या बना रहे हैं, मोहम्मद जी हम बना रहे हैं दाल फ्राई इन द स्टाइल ऑफ इंदौर, इंदौर स्टाइल दाल फ्राई आज हम बना रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही क्विकली बन जाएगी। आप दाल बॉईल करके फ्रिज में भी रख सकते हैं अगर आपके यहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं या आप
अब जैसे वीकेंड है, संडे है, तो दाल फ्राई तंदूरी रोटी, दाल फ्राई पराठा, दाल फ्राई पूरी या प्लेन रोटी जो सादी हमारे फल के होते हैं उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। इंदौर के स्टाइल में आप इसको बनाइए। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया, फ्रेश पीस ऑफ धनिया इसी टाइम के डाल देंगे थोड़ा सा, ओके, टू गिव इट गुड टेस्ट। आप अपने स्टाइल से तो बनाते ही होंगे। बिल्कुल ये इंदौर की जो वेडिंग्स होती है उसमें जो लाइव काउंटर होता है उसमें कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी तक देखिए हमने इसमें बिल्कुल भी लाल मिर्च नहीं डाली है, ओके। आप देखिए प्रोसेस को किस तरह से इसको बनाया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है, इट इज़ रियली यूनिक। तो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता देती हूँ, माय नेम इज़ मधु और मैं ओवन्स अप इंदौर से हूँ। आज हम बना रहे हैं दाल फ्राई। आप अमूल की तुअर दाल यूज़ कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स अमूल घी आप यूज़ करें इसमें इसे बनाने के लिए। मैंने घी और ऑयल का कॉम्बिनेशन लिया है जिससे इसका स्वाद 2-3 गुना बढ़ जाता है एंड इट इज़ बिकम रियली हैवी। रोज़ में तो बहुत तेल या घी नहीं खाना चाहिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन हाँ वंस इन अ वाइल जब हम ऐसा कुछ रिच बनाते हैं तो आप ज़रूर उसमें अच्छी तरह से ऑयल या घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं या कॉम्बिनेशन मेरी तरह तो आप डाल सकते हैं। ये हल्का हल्का जब भुन जाएगा तब हम गैस ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ताकि ये जल्दी से पक जाए और गैस की फ्लेम मैं तेज कर देती हूँ। क्योंकि ये लाइव है हम बहुत देर तक इसको एक ही स्टेप पे नहीं रह सकते हैं, इसलिए आई एम यूजिंग अ लिटिल फास्ट फ्लेम। अगर आप घर में जल्दी जल्दी इसको बना रहे हैं तो बीच बीच में इसे हिलाने का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। हम बना रहे हैं आज दाल फ्राई जो कि एमपी के स्टाइल में हम बना रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट लगती है और आप एक बार अगर ये बनाएंगे ना और किसी को भी खिलाएंगे तो दे विल ऑलवेज आस्क यू टू मेक दिस ओनली, इट इज़ सो डिलिशियस। एक बार और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल इंदौर में बनाई जाती है और बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो ये जो हमारे टोमेटोज है ये ऑलमोस्ट भुन गए हैं, ओके। आप चाहें तो इसको और भुन सकते हैं, बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगी इस प्रोसेस को। और अब हम इसमें मिला देंगे दाल, एक बार मिक्स कर लेंगे। देखिए क्या बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि होटल में मिलती है वैसी दाल। और इसे गाढ़ा रखा जाता है, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। मैंने 1-1.5 कटोरी जो टोटल दाल थी वो ली थी और उसे बॉईल किया था तुअर की दाल। इसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है, कोई और टाइप की दाल नहीं मिक्स की है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी भी मिक्स कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी कर चुकी थी और ये थोड़ी देर पहले मैंने बॉईल करके रख दी थी, बिकॉज ये हमारा लाइव है हम इंस्टेंटली सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो ये गाढ़ी हो गई है, आप अपने हिसाब से इसका पानी एडजस्ट करें पर इसको थोड़ा सा आप गाढ़ा ही रखें, सॉरी। Clear
इसे हम थोड़ा सा बॉईल होने देंगे और जब तक ये अच्छी तरह से एक बार बॉईल हो जाए हम बनाएंगे इसका एक और तड़का। ठीक, आप चाहें तो इसको एज इट इज ले सकते हैं पर मैं इसके ऊपर आपको एक और तड़का लगा के दिखाऊंगी। दूसरे गैस पे हम रख देते हैं इसका, इसे बॉईल होने के लिए। और इस गैस पे हम लगा लेते हैं तड़का। ओके, ये घड़ आप घी या तेल किसी से भी लगा सकते हैं, मैं ऑयल यूज करूंगी यहाँ पे। इसको ऑयल को अच्छी तरह से हम गर्म होने देंगे, ये फाइनल तड़का है। बहुत डिलीशियस बनती है ये दाल, ज़रूर आपको पसंद आएगी और जैसे भी आप खिलाएंगे बनाकर उसे बहुत ही पसंद आएगी। देखिए ऑलरेडी ये इतनी डिलीशियस लग रही है, दिस विल बी लाइक एन एक्स्ट्रा यू नो। तो तड़का बिल्कुल सेम जैसा बेसिक तड़का लगता है वैसा ही लगता है इसमें भी। सबसे पहले हम फिर से हींग डालेंगे इसमें। ओके, एक चुटकी हींग, फिर आप डाल दीजिए राई, जीरा, बिल्कुल हल्की सी हल्दी, और अब आप डालिए साबुत लाल मिर्च और रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और गैस हम ऑफ कर देते हैं। एक्चुअली मैं इसे यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ दाल को, सो दैट यू कैन सी इट वेल। इसको मिक्स करते हैं और उसके ऊपर ही डालेंगे हम ये तड़का। दाल हमारी बॉईल हो गई है ऑलमोस्ट। देखिए कितनी स्वादिष्ट और कितनी डिलीशियस लग रही है। रोज के खाने में तो आई वुड नॉट रेकमेंड इतना ऑयल और घी आप यूज करें, इट इज नॉट गुड, बट या वंस इन टू थ्री मंथ्स इस तरह से आप बना सकते हैं। आप ये सेम रेसिपी कम ऑयल और कम घी में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, और आई वुड रियली रेकमेंड बिकॉज ये लाइव रेसिपी शो है। तो यू नो आई एम मेकिंग द बेसिक वर्जन, लेकिन अगर आप रोज़ में भी इसको बनाना चाहते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, कम ऑयल और घी में बनाएं। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है, इसको आप चाहे राइस के साथ, पुलाव के साथ, आप इसको पूरी, पराठा, तंदूरी रोटी, नान, या सिंपल जो हमारी घर की रोटी होती है उसके साथ सिर्फ आप दाल भी बना लेंगे ना तो अच्छा लगेगा। और लास्ट चीज़ जो हम इसमें ऊपर से डालते हैं वो है लेमन जूस। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेमन जूस। ये मैंने लेमन जूस भी डाल दिया है। तो ये तैयार हो गई है हमारी दाल फ्राई इंदौर स्टाइल। आपको ऑलरेडी आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस ऑलरेडी ये लग रही है। तो आई होप आप लोगों को आज की हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, एंड अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे ओवन्स अप बाय मधु, मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर कर दी है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आज हमने बनाई दाल फ्राई एज पर इंदौर में जो शादी इवेंट्स या रेस्टोरेंट में जो बनती है उस तरीके से। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स अमूल, गुड नाइट।